हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आईक्यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर मॉड्यूल के एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड और एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने मिस्टेक किया था, तो उस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे मुझे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सोलर मॉड्यूल के एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले आपको थोड़ा बहुत जो टर्म्स है सोलर मॉड्यूल के पीछे जो डाटा शीट रहते हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो जो टर्म्स रहते हैं, एक तो हो गया आपका ISC, VOC, IMAX, VMAX, FF मतलब फील फैक्टर। तो IOC हो गया आपका शॉर्ट सर्किट करंट, जो IOC है वो IMAX जो होता है उससे ज़्यादा है, तो उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है। और VOC है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज आपका विदाउट लोड रहता है, ओपन सर्किट रहता है, उसी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज का जब वैल्यू आएगा वो VMAX से भी ज़्यादा आएगा। और IMAX और VMAX जो है वो आपका लोड देने पर आता है, कौन से मॉड्यूल के ऊपर अगर लोड देंगे तो उसमें IMAX और VMAX का आपको वैल्यू मिलेगा। तो IMAX हो गया आपका मैक्सिमम करंट और VMAX हो गया आपका मैक्सिमम वोल्टेज। और जो FF है फील फैक्टर से हमें क्या पता चलता है, फील फैक्टर से हमें सेल का क्वालिटी कैसा है वो पता चलता है। और जो फील फैक्टर है वो आपका 0.8 0.9 ऐसे रहता है। तो अगर इस ऐसे वैल्यू आएगा तो आपका जो सेल है वो लगभग ठीक है। और अब फील फैक्टर का जो फार्मूला है, फील फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर उसका फार्मूला है आपका IMAX इंटू VMAX बाई ISC इंटू VOC, यानी मैक्सिमम करंट इंटू मैक्सिमम वोल्टेज बाई शॉर्ट सर्किट करंट इंटू ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इसको अगर वैल्यू आप बिठाएंगे तो लगभग आपका 0.8 और 0.9 आना चाहिए। तो इफिशियंसी जो निकालने का फॉर्मूला है वो है आपका आउटपुट बाई इनपुट इंटू 100%। तो इसका अगर हम सोलर मॉड्यूल के ऊपर पुट करें तो इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट हो गया आपका PMAX, यानी PMAX यानी जो मॉड्यूल का आउटपुट आपका पावर है, मैक्सिमम पावर है मॉड्यूल का, जो आपका रेटिंग है, जैसे आपका रहता है 330 का जो मॉड्यूल रहता है वाट पर मीटर स्क्वायर, या आपका जितने वाट के आपका मॉड्यूल्स है, तो वो हो गया आपका आउटपुट बाय इनपुट हो गया आपका रेडिएशन जो रहता है मीटर पर, मतलब हम लोग क्या ना सन से जो रेडिएशन आता है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ये हो गया आपका 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इनटू उनके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, उनके साथ का मॉड्यूल का जो एरिया है, जितना एरिया मॉड्यूल है उस एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका इनपुट। तो आउटपुट हो गया आपका PMAX और PIN यानी इनपुट हो गया आपका मॉड्यूल का एरिया इनटू रेडिएशन, और उसके साथ ये टोटल करके उसका 100% ये आ जाएगा आपका एफिशिएंसी का परसेंटेज निकल जाएगा। तो एक मॉड्यूल का हम लोग अभी एक जो डाटा शीट है देख सकते हैं, ये एक मॉड्यूल का डाटा शीट है। तो इस मॉड्यूल के डाटा शीट से हम थोड़ा बहुत डाटा निकालते हैं और इसमें पुट करके देखते हैं कि इसका जो एफिशिएंसी जो इस डाटा शीट में दिया गया है तो ये फार्मूला के साथ ही कितना वेरी करता है। तो PMAX यहाँ पे दिया गया है, ऐसे आप PMAX ऐसे निकाल सकते हैं IMAX और इंटू VMAX को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा आपको PMAX मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे PMAX दिया है, तो PMAX दिया गया है तो PMAX हम बिठा देंगे 335 का ये वाट पावर जो है 335 बाई PIN। PIN को हम लोग कैसे निकालेंगे, PIN यानी मॉड्यूल एरिया इंटू रेडिएशन निकालना है, तो मॉड्यूल का एरिया यहाँ पे दिया गया है, देखिए जो डाटा दिया गया है वो आपका मिलीमीटर में है, 95 1956 इंटू 992 इंटू 36। तो जो 36 है वो हाइट है, वो नहीं चाहिए, तो जो डाटा हमें चाहिए 1956 इंटू 992, ये मिलीमीटर में दिया गया है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे आएगा 1.95 इंटू 0.992। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा तो इसको अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा आपका 1.940 या 1.94 मिलीमीटर मीटर स्क्वायर
और इनटू रेडिएशन हो गया आपका 1000, तो लगभग ये निकल के आया 335 बाई नीचे का जो अब है 1.94 इंटू 1000 अगर करेंगे तो आएगा 1940, मतलब 335 बाई 1940 इंटू 100, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 17.26%। अब करके देखिए तो आपका अभी ऐसे ही आएगा 17.26%। तो जो ये आपका देख सकते हैं, जो ये आपका पैनल का जो ये डाटा शीट है इसमें भी ये एफिशिएंसी दिया गया है 17.26%। तो ये मैच कर रहा है, तो ऐसे एक मॉड्यूल का एफिशिएंसी बहुत इजी निकल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।